नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स सी अबाउट यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजेश। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि आपको कौन सा कूलिंग पैड लगाना चाहिए, या तो वुड वूल जिसको हम घास कहते हैं, या तो हनी कॉम पैड, इसमें से कौन सा बेस्ट है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दोनों ही अपनी जगह पर बेस्ट है, पर यदि आपको ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आपको घास लगाना पड़ेगा जिसको वुड वूल भी बोलते हैं, वुड वूल भी कहते हैं। और यदि आपको आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर डस्ट सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको हनी कॉम पैड लगाना चाहिए। यदि एक शब्दों में बोला जाए तो सिर्फ इतना सा है, लेकिन यदि आपको कूलिंग चाहिए तो वुड वूल से अच्छी कूलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन वुड वूल की कुछ बुराइयाँ भी हैं, जैसे कि वो उसको हर साल हमें चेंज करना पड़ता है क्योंकि वो पूरी चोक हो जाती है, उसमें जो भी डस्ट रहती है वो उसमें इकट्ठा हो जाती है, उस कारण से जो एयर फ्लो रहता है उसको उसमें रुकावट करती है। लेकिन कूलिंग वुड वूल घास की सबसे बढ़िया रहती है, उसकी कूलिंग की बराबरी आप हनी कॉम पैड से नहीं कर सकते हो। वुड वूल की जो कॉस्ट रहती है वो भी बहुत कम होती है, कम कीमत में आपको मिलती है, लेकिन आपको हर साल चेंज करना पड़ता है, जो कि एक अच्छी बात भी है क्योंकि आपको फ्रेश एयर मिलेगी, जितनी भी गंदगी रहती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि आप हर साल इसका ये कूलिंग पैड चेंज करते हो। मेरे हिसाब से तो आपको घास लगाना चाहिए यदि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर डस्ट बहुत ही कम हो, और जैसे कि आपका पूरा एक सीज़न निकल जाए और आपको घास चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको उस एरिया में घास ही लगाना चाहिए, हनी कॉम पैड नहीं लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हनी कॉम पैड की। तो हनी कॉम जो होता है, जो कूलिंग पैड होता है, तो ये आपको कब लगाना चाहिए? आपको ये जब लगाना चाहिए जब आप बड़े जो लार्ज स्केल में इसका यूज़ होता है, मतलब कि आपको छोटे रूम या घर या दुकान के हिसाब से आपको ये नहीं लगाना चाहिए। यदि आपका बड़ा हाल है या कमर्शियल एरिया है जो कि 500 स्क्वायर फीट या 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पर आपको हनी कॉम पैड ही लगाना चाहिए। इसकी कूलिंग कम होती है लेकिन इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये इसमें जो हनी कॉम होता है उसमें ये हनी कॉम जल्दी चोक नहीं होते, इसमें ज़्यादा धूल या डस्ट इकट्ठा नहीं होती है और ये चोक नहीं होता है, इसलिए इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा होती है, इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। हनी कॉम पैड के मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी आप इसको खरीदने जाओ तो ये इनकी मोटाई यहाँ रहती है कि आपको कितना मोटा लेना है। लंबाई चौड़ाई तो ठीक है लेकिन इनकी मोटाई भी होती है, आप जितना मोटा हनी कॉम पैड लोगे उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी। और इस प्रकार से कुछ रहता है, एयर फ्लो हनी कॉम में ज़्यादा अच्छी मिलती है जबकि वुड वूल में आपको एयर फ्लो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको दोनों के बीच का अंतर बता दिया, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट होती है, लेकिन आपको एक छोटे से रूम में लगाना हो, यदि आपका छोटा सा रूम है जो कि 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट का हो सकता है या इनसे कम हो सकता है, 200 स्क्वायर फीट से कम हो सकता है, तो आपको घास ही लगाना चाहिए जो सबसे अच्छी रहती है। आपको ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि आपके एरिया में डस्ट तो नहीं है, यदि ज़्यादा डस्ट है तो आपको हनी कॉम पैड के साथ ही जाना पड़ेगा, वही आपके कूलर के लिए बेस्ट होगा। दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।